तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो अगर आप एक एयरटेल रिटेलर हो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अगर आप किसी भी कस्टमर का सेविंग अकाउंट खोलते हो तो उनका जो एम पासबुक होता है, मिनी पासबुक, वो कैसे आप उनको डाउनलोड करके दे सकते हो। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें जो है एम पासबुक में कस्टमर को क्या क्या लाभ देखने को मिलने वाला है, इन सारी बातों को फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल होने वाला है फ्रेंड्स, तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। बट अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक करके साथ ही साथ हमारे चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बगल में जो नोटिफिकेशन बेल होता है फ्रेंड्स, आप उसे ऑल पर प्रेस कर दें ताकि भविष्य में जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को देख के लाभ ले पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको सारी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाने के लिए, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना क्या है कि अपना जो है एयरटेल मित्रा ऐप एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे पहले ही इंस्टॉल कर रखा है फ्रेंड्स। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है एयरटेल मित्रा ऐप एप्लीकेशन को, तो आप जो है मेरा डिस्क्रिप्शन पर लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी ये एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप इसे फर्स्ट बार ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको लापू नंबर और पासवर्ड के जरिए यहाँ पे लॉगिन होना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमने अपना लापू नंबर और पासवर्ड के जरिए यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे सबमिट पे टैप कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे सबमिट पे टैप करते हो तो आप अपना लापू नंबर और पासवर्ड के जरिए अपना मित्रा ऐप में लॉगिन हो जाते हो फ्रेंड्स। तो आप जैसे ही लॉगिन होते हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है आपके स्क्रीन पे एक मैसेज पॉपअप होगा। यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इस मैसेज को रिमूव करने के लिए आपको मैसेज को रिमूव करने के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे टैप कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पे टैप करते हो तो जो मैसेज आता है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको ऊपर वाला ऑप्शन पे यहाँ पे आ रहा होगा पेमेंट बैंक वाला, यहाँ पे ऑप्शन आ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको राइट से लेफ्ट की ओर इसे स्क्रीन को स्लाइड करना है। जैसे फ्रेंड्स आप इसे राइट से लेफ्ट की ओर स्क्रीन को स्लाइड करते हो तो आपके सामने आ जाता है एयरटेल पेमेंट बैंक का यहाँ पे ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको लापू नंबर और पासवर्ड के जरिए यहाँ पे आपको लॉगिन होना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं और अपना लापू नंबर यहाँ पे इंटर कर देते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे अपना लापू नंबर और पासवर्ड यहाँ पे इंटर करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पे लॉगिन पे टैप कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे आप लॉगिन पे टैप करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल कर आ जाता है फ्रेंड्स। तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, डाउनलोड प्रिंट अकाउंट यहाँ पे आपका आ जाता है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपका अपना पासबुक एम पासबुक को डाउनलोड करने के लिए यानी मिनी पासबुक को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको टैप कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे टैप करते हो तो आपको जो जो भी कस्टमर का एम पासबुक डाउनलोड करना है, जिस कस्टमर का आप एम पासबुक को डाउनलोड करना चाहते हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर उनका नंबर को डाल देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एयरटेल का सेविंग अकाउंट का जो अकाउंट नंबर होता है यानी एयरटेल पेमेंट बैंक का जो मोबाइल नंबर होता है वो यहाँ पे आपको डाल देना है फ्रेंड्स, जिसमें उनका खाता खुला हुआ है। और जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे डाल देते हो तो यहाँ पे एक डब्बे का आइकन आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको टिक मार्क कर देना है और यहाँ पे कस्टमर का जो है बायोमेट्रिक आपको यहाँ पे थंब को स्कैन कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप कस्टमर का थंब पे स्कैन कर लेते हो तो आपको ऊपर में यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जिस लैंग्वेज में जो है आप उनका पासबुक को प्रिंट करके देना चाहते हो तो वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पे डन पे टैप कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे डन पे टैप करते हो तो ये प्रोसेस लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो है एम पासबुक उनका कम्प्लीट हो चुका है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको व्यू फाइल का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको व्यू फाइल पे यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, अपना जो भी फ़ोन में मेमोरी है आप वहाँ पे डाउनलोड करके रख सकते हो। नहीं तो आप शेयर कर भी सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली शेयर पे टैप करना है। और आप जो है इनका मेल पे शेयर कर सकते हो, नहीं तो आप इनका फेसबुक व्हाट्सअप किसी भी शेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो को कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं और इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बगल में जो नोटिफिकेशन बेल होता है फ्रेंड्स, आप उसे ऑल पर प्रेस कर दें ताकि भविष्य में जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उस वीडियो को देख लाभ ले पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।